अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपने सपनों की राजकुमार से रिश्ता तय होने की खुशी में बिंदिया आने वाले कल के ख्वाब सजाने लगी, पर वो इस बात से अनजान थी कि उसका होने वाला पति अभय किसी और से प्यार करता है। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके विवाह की वजह थी अभय की कुंडली। अगर अभय की कुंडली में उसकी पहली पत्नी का मरना लिखा है तो मरे बिंदिया। पर ये सब सुन लिया बिंदिया के मामा ने। अब आगे तो सुन लो, ये तेरा अभय और बिंदिया की सगाई आज के आज होके रहेगी, सुना ना? मोरी बिंदिया, वो की जान चली जाएगी ये ब्याह हुआ तो ना, ना मोरी बिंदिया। आप समझ नहीं रहे चुबली के पापा। लल्ला को समझाना इतना आसान ना है। ये धर्म क्या होता है ये बार बार समझाएगा तुमको? पति का मुश्किल से मुश्किल आदेश को आसान करना ये पत्नी का काम होता है। इतना सा नहीं होता ना तुमसे तो इस घर माँ और हमारी जिंदगी माँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। अरे अम्मा, अम्मा इतना बड़ा दरवाजा दिया है, इसको बंद करके बात नहीं कर सकते का? वो बिंदिया के मामा ने सब कुछ सुन लिया, अब ससुरा रायता जरूर फैलाएगा। नाना चुबली, ऐसा ना बोल। अरे अगर यो भी आना हुआ तो तेरे पापा हमें और अगर लल्ला को पता चल गया तो वो यो भी कभी भी ना करेगा। अम्मा अब बात को संभालना तो पड़ेगा ना, अब तुम ही बताओ अपने भाई अभय का पहले सोचें या ससुर मामा का? बोलो भला, पूरे देश की फिक्र है पर अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। अब अभय जी को हम ही पहुंचाएंगे इंटरव्यू। सर हमने सारा मुआयना कर लिया है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सारा एरिया स्कैन कर लिया? यस सर। कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा आपको? नो सर। ये इलेक्ट्रिशियन के पास कमर वाला पाना क्यों है? जाके चेक करो। ये तो बताओ इलेक्ट्रिशियन भाईजान, पाइप टाइट करने वाले औजार से कौन सी वायर टाइट करने वाले थे? फर्जीवाड़ा मचाने आए थे तो जरा तैयारी करके आते। ड्रामा कंपनी का जो प्रॉपर्टी हाथ लगा उसे ही उठा लिए। किसके कहने पे आया यहाँ पे? सर मैं किसी के कहने पे नहीं आया सर, मुझे तो बस सीएम साहब से मिलना था। इस ड्रेस में इसलिए आया कि मैंने सोचा कि भीड़ आने के पहले मैं उनसे बात कर सकूं। तरीका गलत चुना तुमने और मैं रिस्क नहीं ले सकता। रैली के बाद बात करेंगे, चल लेके जाओ इसको। चल 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 चल। अभय जी का तो पूछो मत, उनके जैसा सोमवीर हमने देखा है सिर्फ सिनेमा में अभी तक। सच हमारे तो 16 सोमवार सच हो गए, उनके जैसा पति पाके। हाँ सच में उनकी होने वाली पत्नी हो? और नहीं तो का, हम झूठ काहे बोले, किसी की भी कसम दिलवाई दो। अरे तुम्हारे कसम उठा हम अचार डालेंगे। अरे हमारी तो जान इसलिए सूख रही है क्योंकि ये सीएम साहब की गाड़ी है। सीएम? सीएम माने मुख्यमंत्री ना? हाँ? तो फिर ई
गाड़ी अभय जी के पास काहे लाए थे? वो हेड ऑफ सिक्योरिटी है ना, सीएम से हर जुड़ी बात जानते हैं वो। क्या ना, बहुत खास है उनके और हमेशा उनके साथ रहते हैं। खास है, हमेशा साथ रहते हैं। यस सदबल, अगर हम कल सीएम बन गए तो अभय जी हमरे भी साथ रहेंगे का हमेशा? सर, सर सीएम साहब का स्वागत करने के लिए जो बड़ा वाला पटाखा मंगाए थे उसका कनेक्शन हमने उस डेटोनेटर से कर दिया है। और सेफ्टी मेजर्स? सर सब कंट्रोल है सर, आप चिंता मत कीजिए, बढ़िया से स्वागत करेंगे। स्वागत एकदम ही खास हुआ था हमरा, माला गले में आके पड़ी थी, पर उस ससुर का नाती अपनी माई को लेके भाग गया। पर आप बाबू भी कम नहीं है, तम अच्छे कुमार जैसे जी हाँ जी गुस्सा। सीएम साहब इतनी जल्दी क्यों आ गए? अरे ये 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 बंद नहीं हो रहा, अरे तुमने कैसा घुसा मार दिया इसमें? ये क्या है? हमारी कोई गलती नहीं है साहब, उनके वजह से होगा। किन की वजह से? आपकी होने वाली पत्नी जी। क्या? वाह, नखलाओं में जब से आए तब से दूसरी बार वेलकम हुआ है हमरा। का कर रहे हो, का हुआ? यहाँ से निकलो जितना जल्दी। बिंदिया को देखो तुम कहाँ है, तब तक हम सामान बांध दें, बाकी का निकलो चल। अरे पर बकोगे कि हुआ का है? ये लोग मोरी बिंदिया को बहू सिर्फ इसलिए बना रहे हैं चुन्नी की माँ, क्योंकि अभय बाबू की पत्री में पहली पत्नी की मौत लिखी है। चल। ये बात तुमसे किसने कही? अपने कानों से सुन के आ रहे हैं, मालिक और मालकिन बात कह रहे हैं। सत्यानाश, अब ये बुढ़ाऊ बकैती मचाए बिना नहीं मानेगा। अरे पर ऐसे संभाल लेके यहाँ से सरक लेना ठीक होगा का? कहाँ सोचेंगे ये लोग? तुम्हें पता था पत्री के बारे में? खिसक गए हो का? अरे अगर हमें ये बात पता होती तो कहाँ मेरे साथ तय होने देते का? कैसे हुआ ये? हम क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं पापा का कुर्ता कैसे चला? वो हम स्त्री खड़ी कर रसोई में गए थे दाल देखने के लिए, पता नहीं वापस कैसे लुढ़क गए कुर्ते पे, कि हम जानबूझ के ना किए, माफ कर, आगे से नहीं करेंगे। हारो की जय। अरे तेरे माफी मांगने से उससे क्या होने वाला है? ये कुर्ता तो ठीक ना होने वाला ना, तू तो जानती है ना कि लल्लार बिंदिया की सगाई पे वो यही कुर्ता पहनने वाले थे ना। अब बता बता वो क्या पहनेंगे? वो हम दूसरा कुर्ता इस्त्री करते। जब पगलेट औरत है, दिमाग में भूसा भरा है क्या? किसके बारे में बात कर रही है समझ में नहीं आता? कांतिलाल भारद्वाज, मेरे पापा जो एक बार ठानते हैं वो करके ही दम लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लाल कुर्ता पहनना है तो मतलब ये ही पहनना है। अगर वो बोले कि सफेद गाड़ी से जाना है मतलब सफेद से ही जाना है। अगर उन्होंने कहा है कि अभय और बिंदिया की शादी होगी तो मतलब शादी होकर रहेगी। अरे उनकी बात तो सीएम साहब तक नहीं टालते, और तुम उनकी बात को बदलने की कोशिश कर रही हो। माफ कर दीजिए,
हरगिज नहीं। चुप। माफी, माफी दे देने से तुम्हारी गलती करने की आदत जाएगी नहीं, इसलिए सजा तो देनी पड़ेगी। चुप। ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। रुको। गड़बड़ हो गई है सर, हमारा स्नाइपर पकड़ा गया। बैकअप रेडी है सर, लेकिन सीएम के आने का डिले होगा। वो कोई लड़की के कारण कटर टूट गया है सर। जी सर, मैं फिलहाल बैकअप हटा देता हूँ, नहीं तो वो भी पकड़े जाएंगे सर। लड़की का कुछ पता नहीं, अभी फिलहाल वो अवे सर के साथ ही है। यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए खाना लाए सरकार, ना बहुत ही खास जगह रखे हैं, एकदम गर्मा गर्म मिली है। ठीक में तो खाना ठंडा हो जाए, गर्म कैसे करे? अरे रुकिए जनाब, हमारी चप्पल। अरे मंत्री जी के स्वागत करने का सारा इंतजाम बर्बाद करके रख दिया। अरे ये है कौन? ये वैसा की होने वाली पत्नी है। ये भोलेनाथ हमें कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं किसी और को चाहता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। गांव वापस जाओ और वहीं जाकर किसी से शादी कर लो। ये देखिए, अभय और बिंदिया की शादी का कार्ड है, उसी का सैंपल है। दो दिन बाद का ही मुहूर्त निकला है ना, जुबली के पापा ने तो 2000 कारण का आर्डर भी दे दिया है। देखिए ना, आप तो जानते ही है ना, वो किसी की ना सुनते हैं, जो सोचते हैं वो ही करते हैं। बहुत सुंदर है, सुंदर देखो। हाँ कारण बहुत सुंदर है, देखो ना। अभी की कुंडली में उसकी पहली बीवी की मौत ही लिखी है। अगर अभय की कुंडली में उसकी पहली पत्नी का मरना लिखा है तो मरे बिंदिया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हारे दिमाग में भरा क्या है? जाने क्या बोल रहे हैं, कुछ सुना ही नहीं दे रहा। अच्छा भला सेशन छोड़ने का बंदोबस्त किया था, तुम घर चली आई। जितना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता हूँ तुम उतना ही पीछे पड़ती रहती हो, और अब यहाँ ये टिफिन लेकर आई हो। मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं किसी और को चाहता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। एक
देखो तुम एक अच्छी लड़की हो, गांव वापस जाओ और वहीं जाकर किसी से शादी कर लो, सुखी रहो। अभी गुस्सा लग रहे थे, अभी मुस्कुराए दिए। अब जाओ यहाँ से। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सीधे साहेब जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चले जाते हैं, पर एक खाना खा लीजिएगा, आपकी भौजाई बड़े प्यार से बनाई रही आपके लिए। लो, खाने की बात पे फिर गुस्सा हो गए। अच्छा, जा ही रहे हैं हम। अब हमें समझ में आया लखनऊ में सबका दिमाग इतना गर्म काहे रहता है, तांबे के बर्तन में कोई दही जमाए है का, अकल ही नहीं है। रुको, किसने भेजा तुझे? छोड़ दो, बता मुझे। ब्याह मत कर बेटी, तेरी डोली को कंधा देने का वचन दिए रहे बेटा, तेरी अर्थी का नहीं। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिसका आपसे ब्याह होगा वो मर जाएगी ही। अगर मेरी कुंडली में ऐसा दोष है, मैं शादी कभी भी नहीं करूंगा। कुछ ना सुनना मेरे को, बिंदिया कहाँ है? जाओ, लाओ से, जाओ। तुम्हें क्या लगता है हा? इस तरह से सामान बांध के बस में बैठ के हम लोग सही सलामत पहुँच चलेंगे गोंडा? देखे नहीं हो कि कितने जबराट लोग हैं? हमारी बात मानो, अभी सगाई हो जाने दो, रात के अंधेरे में ना चुपचाप यहाँ से सरक लेंगे, अभी दिन में बता करके ना चलेंगे, काहे को आप हाथ मोल ले रहे हैं। रात में? हाँ रात में, रात में। अभी बिंदिया कहाँ है? अरे वही तो पूछने गए थे, अभी वो अभय जी के साथ है, बस दोनों आते ही होंगे। खाम खामे परेशान होते हो, सारा सामान लिए चल दो, चल दो, चल दो। अब जाके कान खुला है, उस समय ये इतना लंबा कुछ बोल गए, हमें कुछ सुनाई ना पड़ा, पूछे इनसे कहा बोल रहे। नहीं, रहने देते हैं, नहीं अभी ही पूछ लेना ठीक है, पूछ ही लेते हैं।
समझ गया तुम्हारा पति? हाँ, हमरे बोले से तो ना समझा था, पर वो आपका कान देख के समझ में आ गई। अब पर आप चिंता ना करिए, मुंह नहीं खोलेगा, सगाई तो होके रही है। गजब एक्ट्रेस हो। अब का करे मालकिन, अपनी दूनन बिटियन के सुनहरे भविष्य के बारे में सोचे या वो अभागन अनाथ बिंदिया की? अरे लल्ला, बिना कमीज के? देखिए ना, एकदम से पार्वती जैसी जोड़ी लग रही है दुल्हन की। या तेरे से कुछ बात कहेगा, जरूरी है। हाँ मामा, बोलो ना। ये ब्याह मत कर बिटिया, चल घर वापस चल। तोरी डोली को कंधा देने का वचन दिए रहे बेटा, तोरी अर्थी का नहीं। ईका कह दो मामा, हम का अर्थी चढ़ेंगे जिंदा में? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपकी कुंडली उम्र दोष है। जिसका आपसे ब्याह होगा वो मर जाएगी ही। इसलिए आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी थी, ताकि दुल्हन मर जाए और दोष खत्म हो। ऐसे कैसे आप किसी की भी बलि चढ़ाने को राजी हो गई? अगर मेरी कुंडली में ऐसा दोष है तो मैं शादी कभी भी नहीं करूंगा। तुम्हें याद करने के मेरे तरीके भी खास हैं। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखकर चूमा करती, पर तुम्हें तो मेरी याद नहीं आ रही होगी। उस बिंदिया के साथ रोमांस करने में बिजी। अरे वो लड़की पागल है। दो दिन में तुम्हारी शादी है। पैसों के लिए कर रही है शादी? और अगर की तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी। यू नो आई लव यू। तुम्हें याद करने के मेरे तरीके भी खास हैं। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखकर चूमा करती, पर तुम्हें तो मेरी याद नहीं आ रही होगी। उस बिंदिया के साथ रोमांस करने में बिजी। अरे वो लड़की पागल है। दो दिन में तुम्हारी शादी है। पैसों के लिए कर रही है शादी? और अगर की तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी। यू नो आई लव यू।